नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल बालाजी एवियरी पे। आशा करती हूँ आप सब सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपके पेट्स यानी आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, सर्दियाँ आने ही वाली है, ऑलमोस्ट आ ही गई है। तो अभी जो हमारे बर्ड्स हैं उनके लिए थोड़ा सेफ़ नहीं है, तो प्लीज़ उनको कवर करके रखिए जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं वीडियो की। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि A19 कैसे बनाया जाता है और एक चिक को कैसे फीड कराया जाता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा A19 का बॉक्स है। ये काफ़ी सारी पैकेट्स में अवेलेबल होता है, बॉक्स में अवेलेबल होता है। ये 1 किलो की पैकिंग है। आप चाहें तो इसकी 3 kg की भी पैकिंग आती है। अगर आपके पास ज़्यादा चिक्स हैं तो आप वो पैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, एक चम्मच, एक सिरिंज, साथ ही में बॉइल्ड वाटर। मेक श्योर आपने जो पानी लिया है वो बॉइल्ड हो, गर्म हो, तभी आपका फीड ढंग से डिज़ोल्व हो पाता है, मिक्स हो पाता है, घुल पाता है, उसके अंदर कोई गांठें नहीं रह जाती है। आप अपने चिक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में बात की थी पेट्स लाइफ की। पेट्स लाइफ हमने देखा ही था जैसे कि वो डबल फूल जाता है, लेकिन A19 के साथ थोड़ा ऐसा नहीं है। A19 थोड़ा कम फूलता है पेट्स लाइफ से। बाकी हम इसे बनाने की बात करते हैं। तो मेरे पास जितने चिक्स हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना बर्ड फूड लिया है। मेक श्योर दोस्तों, जब भी आप बर्ड फूड लें, इसकी जो कैप है इसको आप सही से क्लोज करें, इसको लूज ना छोड़ें। अब लेना है हमें बॉइल्ड वाटर। आप इस टाइप की किसी केटल का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका पानी गर्म रहे। और ऐसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, गैस पे पानी गर्म करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ढक के रखिए ताकि वो गर्म रहे। सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे हम पेट्स लाइफ बनाते हैं उसी तरीके से हमें A19 भी बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स यानी कोई गांठे ना बचे। एक बात और दोस्तों, जितना पेट लाइफ के अंदर थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम आता है बनाने में, क्योंकि उसके लम्स जो है फूटते नहीं है, लेकिन A19 में ऐसा नहीं है। A19 जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या फ़र्क है कि काफ़ी लोग A19 अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि A19 जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए पेट्स लाइफ की वीडियो मैंने आपको पहले दी थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेट्स लाइफ ही लेना पसंद करते हैं। आप इसको भी पेट्स लाइफ की तरह इंजेक्शन में भर के इसी में वापस छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे कि कोई गांठ ना रह गई है उसमें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने साथ हमेशा किसी कोई एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बर्ड को इसी सिरिंज से फीड करा देते हैं, जो कि ऊपर से फीड बनाते समय गंदा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बर्ड के ऊपर अगर फीड लग जाता है तो उसके जो हेयर्स होते हैं, जो उसके फेदर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है फूड चिपक जाता है, जिसे हटाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बर्ड को भी इरिटेशन होती रहती है। चलिए दोस्तों, ये हमारा सही से घुल चुका है A19। अब इसको हम 5-7-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि ये फूल जाए। अच्छा, और एक बात और दोस्तों, मेरे को ऐसा किसी ने बोला था मेरी वीडियो देख के पुरानी वाली, कि जो फीड है वो अगर हम रेस्ट पे छोड़ते हैं, इसको फूलने के लिए छोड़ते हैं, तो ये फीड जो है वो ठंडा हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे बड़े बर्तन में आप गर्म पानी लेके रखिए और उसके ऊपर ये कटोरी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका फीड ठंडा ना हो। देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको फीड को बनाए हुए। देखिए किस तरीके से फूल चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप।
अभी इसमें बबल्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें थोड़ा पानी मिलाना चाहिए, तो इसलिए हम इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि बर्ड को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए दोस्तों मिक्स हो चुका है ये सही से। अब जो मैंने पानी लिया था ये भी बॉइल्ड वाटर ही था, गर्म था, ये भी ठंडा पानी नहीं डालते हैं इसमें, गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों कंसिस्टेंसी आपने देख ही ली। चलिए अब बात करते हैं कि बर्ड को फीड कैसे कराया जाता है। चिक ले लेती हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ठीक है, क्योंकि A19 की आप ग्रोथ देख ही रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने स्टार्टिंग से A19 पे ही पाला है। चलिए इसको फीड कराना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आपका सिरिंज है इसके अंदर एयर बबल्स ना हो, अगर एयर बबल्स बाय चांस आ भी रहे हैं, हल्के फुल्के एयर बबल्स आ भी रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इंजेक्शन को इस तरह करके इसको ऐसे मारेंगे, इस पर ऐसे हल्का हल्का टैप करेंगे तो इसमें जो एयर होगी वो अपने आप ऊपर आ जाएगी और फिर आप उसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सनकॉर्नियो की। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बर्ड को अलग तरीके से फीड कराया जाता है, कॉकटेल को भी उसी तरीके से फीड कराया जाता है और सनकॉर्नियो को भी उसी तरीके से फीड कराया जाता है। कोई भी बर्ड हो, एक्स वाई जेड कोई भी बर्ड हो, छोटे से लेके बड़े तक हर बर्ड को इसी तरह फीड कराया जाता है। अब आप देखिए दोस्तों हमने इंजेक्शन में खाना लेने के बाद इंजेक्शन साफ ज़रूर कर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बर्ड के फेदर्स पे कोई भी फीड लग जाता है तो उसे छुड़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से बर्ड भी काफ़ी इरिटेट होता है और उसे पेन भी हो सकता है और उसके बाल भी बाहर निकल के आ सकते हैं, उसके जो फेदर्स हैं वो भी बाहर निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों आप इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर बर्ड का मुँह खोल के, तो इसके अंदर आपको दो जगह दिखाई देंगी, दो जगह पाइप नज़र आएंगे। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो सीधा हाथ होता है उस साइड तो होता है बर्ड का विंड पाइप ठीक है दोस्तों, और जो आपका उल्टा हाथ है इस तरफ है उसका फूड पाइप। तो आपने उसको फीड कैसे कराना है, मेन मुद्दा ये है उसको फीड कैसे कराया जाए। तो आप उसको कैसे फीड करा सकते हैं, जो सही तरीका है वो सही तरीका ये है कि आप जो सिरिंज की नोज़ल है, इसकी जो नोज़ल है इसको क्या करना है आपने, बर्ड के सीधे हाथ से अंदर डाल के, सीधे वाली साइड से अंदर डाल के और उल्टे साइड खाना छोड़ना है। ये देखिए ये कॉर्नियो है तो ये जल्दी जल्दी फीड कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपने फीड कराना है। याद रखिएगा दोस्तों आप कितना ml फीड करा रहे हैं वो बर्ड की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए दोस्तों सीधे हाथ की तरफ से डाल के सिरिंज को, उल्टे हाथ की तरफ आपने खाना छोड़ना है। ये देखिए दोस्तों बीच बीच में रेस्ट देते रहिएगा दोस्तों, जिससे कि बर्ड सांस ले सके। ये देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों आप देख ही रहे हैं, मैं हर बार खाना भरने के बाद सिरिंज साफ़ ज़रूर कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने करना है, खाना खिलाते समय सीधे हाथ की तरफ से सिरिंज डाल के खाने को उल्टी तरफ छोड़ना है। ये देखिए दोस्तों अभी इसने जल्दबाजी में थोड़ा खाना गिरवा दिया है, कोई बात नहीं, इसको साथ के साथ आप साफ़ कर दीजिएगा जिससे कि आगे जाके इसके फेदर्स के ऊपर ये जमा ना हो। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ़ हो चुका है, हल्का सा गीला ही अभी सूख जाएगा लेकिन अब फीड जमा नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों इसी तरीके से आपने फीड कराना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो फीडिंग को लेके या खाने को कैसे घोला जाता है या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसके क्रॉप जो है वो
फुल हो रखा है, आपको दिख ही रहा होगा जब मैंने इसको निकाला था तब में और अब में कितना अंतर है। अब ये फूल चुका है पूरा, क्योंकि तो इसका क्रॉप बिल्कुल फुल है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हवा हवा नज़र आ रही है ये इसमें खुद भरी हुई है, ये थोड़ी देर में निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओवर फीडिंग मत कराइएगा कभी भी। जब भी आप फीड कराएं थोड़ा कम कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रखें जिससे कि बर्ड को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप उसको कमेंट कीजिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। बाकी ध्यान रखिए अपना भी, अपने पेट्स का भी, अपने पैरट्स का भी, सर्दी से बचाव रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।